हुकाम ने नजरसानी दरख्वास्त इसी हफ्ते समात के लिए मुकर्रर करने की अपील की है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अफजल जावेद से। अफजल बताएगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 4 अप्रैल के जो फैसला है, जो 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया गया है पंजाब में, उस हवाले से इस अदालती हुक्म के खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो मुलाकात की है। और जराए ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन और हुकाम ने इस मुलाकात में जो दरख्वास्त दायर की गई है जो नजरसानी के हवाले से, उसे इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। और इस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने भी मौकफ तय किया कि ये फौरी नौयत का ये मामला है, लिहाजा इसी हफ्ते इस समाअत को जो है मुकर्रर किया जाए, और उम्मीद भी जाहिर की है कि उनकी जो दरख्वास्त है वो इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने नजरसानी दरख्वास्त इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील की है। अफजल जावेद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।